अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सकीना बीबी। सकीना बीबी कपास चुन के आ रही हैं। कपास चुन के आ रही हैं? हाँ जी। कितनी कपास चुनी है आज? तीन कुड़ियां दा माने है। तीन बेटियों का मिल के एक मन बना है, ऐसे ही है? हाँ जी। एक आप थी, दो बेटियां थी? हाँ जी। अच्छा, पैसे? पैसे नहीं हाली मिलता है। अच्छा, कब मिलेंगे? हाली भी दसन कहीं वेला आ देन 800 मानता देसो तो कहीं वेला 900 तई में बस अच्छा। बसी रख देना हाली दसन तो पता लग जी। हां, बाद में कहीं 500 मन का देंगे। हाँ, ऐसे ही है ना? हां, अपनी मर्जी करे सन। सही बात है। तो प्यारी बहन, आप पहले उनसे बातचीत करके फिर कपास चुना करें ना। बस सारे जो चुगाने ला होने ना सने चलो कोज ना कोज सारे भी मानवे सी। अच्छा, डेली एक मन चुनती है? एक जाने दा मान नहीं थींदा, तीन जाने दा। अच्छा, वो बेटी है आपकी? हां जी, मेरी बेटी है। आ जाओ, पहले तो कुछ खाने है ना, कुछ पकड़ दे। बहुत ही कब पखड़े चंबड़ गए हैं, देख लो। गाड़ी जल्दी कर रहे हैं, देख लो, बहुत ही पखड़े चंबड़ गए हैं। ये देखो पखड़े चंबड़ गए। ये जी इनका घर है, कपास सुनती हैं हमारी बहन। मियां क्या करते हैं? मजदूरी करते। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? ठीक हो? क्या बना रही है मेरी बेटी? छोले का साग। छोले? छोले, छोले बना रही है। बॉईल कर लिए हैं? देसकी में गल जाते हैं ये? हाँ, कुकर नहीं है? कुकर? हाँ जी, पक्का हो जाए। हाँ, कुकर हो ना, उसमें तो जल्दी हो जाता है ना काम। हाँ। कितनी देर में गले हैं चने? सुबह दे भी पकन पेन। अल्लाह, सुबह की आग जला जला के हाँ। अब जाके गले हैं। हाँ जी। क्या नाम है गुड़िया का? रुजीना। रुजीना बेटा, आपने भी कपास चुनी है और ये चने चूल्हे पे चढ़ा के कपास चुनने चले गए थे? छोटे बहन। अच्छा, उबाल रखे हैं। छोटी सिस्टर ने बॉईल करके रखे हैं, ऐसे ही है? आपको बनानी आती है ज्यादा मजे का सालन या रुजीना को? रुजीना को। अच्छा, अभी बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं तो ये सुकून मैसर होता है कि बेटियां जो है वो घर के काम कर लेती हैं, घर संभाल लेती हैं, खाना बना लेती हैं, तो ये भी वालदैन के लिए बहुत सुकून होता है। लेकिन वो कुछ ही दिनों में अपने घर चली जाती हैं और फिर से वही वालदैन को करना पड़ता है। बंदा देखें, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि बेटियों को देखें, हम छोटा सा बड़ा करते हैं, पालते पोसते हैं, जब वो काम करने लग जाती हैं और वालदैन के काम आने लगती हैं तब ये लें, ये आप रख लें। तो अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे। स्कूल गए हो आप? जी, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। अब छोड़ दी कि पढ़ते हो? नहीं, छोड़ दिया कब। क्यों छोड़ा? आने जाने का मसला था। दूर था यहाँ से स्कूल? जी। शौक था पढ़ने का? जी। तो भाई नहीं लेके जाता था? नहीं, सबसे छोटा है वो। वो सबसे छोटा है। कितनी बहनें और कितने भाई हो आप? 7 बहनें और 1 भाई है। अच्छा, माशाल्लाह, 7 बहनें और 1 भाई। 7 की 7 बहनें किधर हैं? बुलाओ, दिखाओ मुझे। हम दोनों, दो बहनें ठहरी हैं और वो सारे बाजी के घर गई हुई हैं, दो स्कूल गई हुई हैं। अच्छा, वो छोटी छोटी हैं? जी। हाँ, भाई भी पढ़ने गया हुआ। भाई भी छोटा है और बहनें भी। आप सबसे बड़े हो? नहीं, मैं दूसरे नंबर पे हूँ। दूसरे नंबर पे हूँ। शादी हो गई है। चलें, माशाल्लाह, इसी के साथ ही उनका मसाला वगैरह भी फ्राई हो गया। चलें गुड़िया, आपको दे के जाती हूँ राशन। यहाँ पे रखते हैं राशन। कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो, आ जाएगा आगे। अभी मेरे पास कुकर नहीं पड़ा, वरना मैं आपको कुकर गिफ्ट करती जिसमें आपके चने आधे घंटे में बॉयल हो जाने थे। ऐसे ही है? टमाटर? टमाटर नहीं है। टमाटर मन जा माना क्या ना पी आई तभी ना टमाटर है क्या नहीं आती है काय नहीं इमे पका मसाला। प्यारी बहन कहती टमाटर नहीं है, ऐसे ही बनाऊं सालन? जाहिर है, अब ऐसे ही बनाना पड़ेगा। यहाँ से नजदीक से नहीं मिलती सब्जी? नहीं, दूर जाना पड़ता है जी। हाय, ये बहुत ही जंगल वाला ये इलाका है, यहाँ से कोई भी चीज़ हो तो बड़ी दूर जाके लेनी पड़ती है। ये ब्लैक चने हैं? काले चने। हाँ जी, काले चने हैं, सही बात है। हाँ, इनका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा होगा कुकर वाले से भी, सही बात है। क्योंकि ये हाँ सुबह के पक रहे हैं। अच्छा, जब ये बॉयल करने लगते हैं आप इसी में प्याज टमाटर वो लहसुन वगैरह डाल के, नमक मिर्च डाल के अगर आप बॉयल करें तो और भी टेस्टी बनते हैं ना? हाँ,
सही बनते हैं, प्यारी बहन कह रही है। अच्छा पहले दादर मर्च डाली है, अभी बारीक पिसी हुई डाल रही है, हल्दी भी डाली है। और क्या डाला है? अच्छा, पहले ये ऐसे चने निकाल के डालेंगी, फिर उनको भून के फिर जो चनों वाला पानी है वो भी डाल देंगी, ऐसे ही है। हाँ, माशाल्लाह। ये चने घर के थे? अच्छा बाजार से लिए हैं। चलें जी, बेटियों ने माशाल्लाह घर अपना साफ सुथरा रखा हुआ है। हाँ रोजाना सफाई करती हैं ना, सही बात है, अच्छी बात है। आती है सिलाई करने कपड़े? सिलाई मशीन नहीं है? नहीं। जब सिलाई मशीन नहीं है तो फिर सिलाई कैसे करने आई? अम्मी की छोटी जो है ना, मैं कहती हूँ मुझे और चाहिए। और चाहिए आपको, ये ख्वाहिश है आपकी? लेके आए भाई सिलाई मशीन भी लेके आए, मेरी बेटी की ख्वाहिश है। आ जाए, हम बैठ जाते हैं यहाँ पे, इतनी देर खड़ा भी होना ठीक नहीं होता। बैठ जाए, बैठ जाओ मेरे साथ, रोटियाँ बनवा दूँ, इस पर बैठो ना, थक जाओगी, मशीन आने पे टाइम लगेगा। मैं फिर कपड़े दे जाया करूँ, मेरे सिलाई कर दिया करना। ठीक है, ठीक है, चलो। यहाँ पे करते हैं सिलाई वगैरह, करवाते हैं लोग? जी इतने नहीं करवाते। अच्छा कितने देते हैं सिलाई? 300 एक सूट का। एक दिन में कितने सिलाई हो जाते हैं? 300 और जो डिजाइन वगैरह उसका 400। अच्छा तो आप एक दिन में कितने सिलाई कर लेते हो? आप भी आ जाओ। एक ही करते हैं क्योंकि अभी सीख रही हूँ ना। हाँ एक कर लेते हैं। इनमें से कौन सी बहन है आपकी? ये तहमीना। आ जा फिर, आले बैठ जो। आपने कितना पढ़ा है स्कूल में? 8। आपने भी 8 पढ़ा है, उसके बाद फिर जाने का मसला था? हाँ ये कितना पढ़ना सी ना ना बच्चियाँ ने जो स्कूल ला गए होंगे तो। हाँ घर घर च नहीं पढ़ाया जाता, 9वीं 10वीं बंदा घर च कर लवे। हाँ तो आप घर में पढ़ लेते बेटा? हाँ जहरी बात है, खर्चा होता है। आपका क्या नाम है? आप भी गए थे कपास चुनने? सारा दिन कपास चुनी, अभी आके खाना बना रही है, ऐसे ही है। तभी पे रोटियां वैसे जल्दी बन जाती हैं ना जी। मट्टी के बने हुए इंसान है और मट्टी के अंदर चले जाना है, मनो मट्टी के नीचे, और मरने से पहले बेहतर है कि हम कुछ ऐसा अच्छा काम करके जाएं जिसके बाद हमारे मरने के बाद हमें अच्छी दुआओं में याद रखा जाए। और जिस तरह मेरी ये बेटी मुझे दुआओं में याद रखेगी, ऐसे ही है ना। मेरा नाम लारेब फातिमा है, जब कभी ज़रूरत पड़े दुआ की सिलाई मशीन देख के तो लारेब फातिमा बोल देना। ठीक है, क्या नाम है मेरा? लारेब फातिमा। चलिए प्यारी बेटी, ये आपके लिए सिलाई मशीन है, साथ में कैंची भी है। आपने ख्वाहिश की और अल्लाह पाक ने आपकी फौरी ख्वाहिश जो है वो पूरी कर दी, और आपकी दुआ अल्लाह पाक ने फौरी कबूल की है। ठीक है, ये इसका वो है सनास्ती कार्ड। तरीका है बताने का, हाय मैं सदके जावा, मैं कभी इन्हें खोल के नहीं देखा ये की लिखा हुआ। मेरी बेटी ने दसिया कि तरीका है सिलाई मशीन चलाने का। हाँ अच्छी बात है, चलें इसको देख के अच्छे से साफ़ सुथरा रखेंगी, बच्चों की पहुँच से दूर रखेंगी तो ये इंशाल्लाह ताहिया चलती रहेगी। हमारी कोशिश होती है कि अच्छी चीज़ हम दें। इसी के साथ ही हम घर चलते हैं और आपने दुआ करनी है। प्यारे से भाईजान हैं जबरान सऊदी अरब से, उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। जिनकी ये अमानतें हम आप तक पहुँचाते हैं, अल्लाह पाक उनका दिया हुआ कबूल करे, अल्लाह ताला उनके रोज़गार में खैर बरकतें अता फरमाए, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। ये उनकी अमानत होती है जो हम देने आते हैं अपनी ऐसी बेटियों को जो सिलाई करना जानती हैं, सिलाई करने का शौक़ भी है लेकिन वसाइल नहीं है कि वो सिलाई मशीन ले सकें। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, खुशियां बांटें, अल्लाह के हवाले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, जज़ाकअल्लाह।